नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, फरवरी मार्च का गन्ना हो या अभी जो गेहूं के बाद गन्ने की बुआई करी गई है वो हमारा गन्ना हो, ज़्यादातर किसान भाई ये पूछते हैं कि मनोज भाई बेसल डोज में हम क्या डालें, और पहले पानी पे हम क्या डालें, फिर पूछेंगे दूसरे पानी पर हम क्या डालें, फिर पूछेंगे तीसरे पानी पर हम क्या डालें। किसान भाइयों, हमें अपनी फसल में हर पानी पे खाद नहीं देना, हमें अपनी फसल पे इतनी लागत नहीं लगानी कि फायदे की जगह हम नुकसान में पहुंच जाए। किसान भाइयों, कोई भी फसल हो उसको सभी तत्वों की आवश्यकता होती है, ये मैं मानता हूँ। एक सर्वांगीण विकास के लिए, एक अच्छी फसल के लिए सारे तत्व चाहिए। जो सबसे मेन तत्व होते हैं वो होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। पिछले समय में हमारे जो पूर्वज थे वो कूड़ी के खाद का प्रयोग करते थे, और किसान भाइयों बहुत थोड़ा DAP का एक बैग डाल दिया, NPK का एक बैग डाल दिया, उसी से ही काम हमारा हो जाता था और अच्छी फसल होती थी। ये इसलिए होती थी किसान भाइयों कि जो हमारा मेन तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिसकी सबसे ज़्यादा पौधे का आवश्यकता होती है, उसका काम हमारा एक कट्टा ही कर देता है। और किसान भाइयों, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जो दूसरे नंबर पे आते हैं, इनके बाद सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, बोरोन, फेरस, ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे पौधों को चाहिए होती है, और इसका काम केवल कूड़ी का खाद ही पूरा कर देता था। तो किसान भाइयों, आपको हर पानी पे एक तो खाद नहीं देना। आज मैं थोड़ा सा आपको एक गणित समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको किस तरीके से बुआई से लेके 3 पानी तक खाद देने, और उसके बाद बार 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 खाद नहीं देनी। एक गन्ने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 डोज देनी चाहिए किसान भाइयों, और उन 3 डोज के बाद हमें एक दो स्प्रे में NPK यूज कर लेने चाहिए अलग अलग कैटेगरी के, तो उसी से ही हमारा काम हो जाता है। आप अगर 5 5 6 6 डोज लगाओगे तो किसान भाइयों उसमें कुछ नहीं बचेगा। अब आप खुद से समझिए, अगर आपने बुआई में, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि DAP का जो प्रयोग है वो हमें बुआई में करना चाहिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपने DAP का प्रयोग बुआई में कर लिया, आपने सल्फर भी डाल दिया बुआई में, आपने उसके साथ दवाई भी इस्तेमाल कर ली, आपने सल्फर तो डाल ही दिया, तो अब आपको आपकी जो बुआई है, बुआई में DAP आपने जड़ों के पास फास्फोरस की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत दे दी, आपने सल्फर भी डाल दिया, 3 तत्व आपने बिल्कुल डाल दिया। अब आपका बचता है पोटाश। जैसे ही आपका पहला पानी आया, आपने एक NPK का बैग डाल दिया, तो नाइट्रोजन भी दे दी, फास्फोरस भी दे दिया, पोटाश भी दे दिया। अब किसान भाइयों, दूसरे पानी पे जब हम पहुंचते हैं, आपने बहुत अच्छी डोज उसे दे चुके हैं, आप हर बार DAP का बैग नहीं डालना, हर बार NPK का बैग नहीं डालना। अब हमें खुद ये दिमाग लगाना है कि जब हमने इसमें DAP भी डाल दी, NPK भी डाल दिया पहले पानी पे, तो अब दूसरे पानी पे हमें क्या देना चाहिए। दूसरे पानी पे किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप को सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। या तो आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट बाजार से ऐसा लेके आइए जिसके अंदर ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, आप उसको थोड़े से यूरिया के साथ मिलाइए, 5 किलो बीघे के यूरिया में, यानी 25 किलो एक एकड़ में यूरिया लीजिए, और आप 10 से 15 किलो कोई भी अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट लेके आइए, तो आपके जो गन्ना है उसकी सारी पूर्ति हो जाएगी दूसरे पानी तक ही। अब किसान भाइयों आते हैं स्प्रे पे। अगर आपने ये सारी चीज़ें 2 पानी 3 पानी तक लगा दी हैं, अब आपका गन्ना स्प्रे खाने लायक हो चुका है, 60 दिन का हो गया, 70 दिन का हो गया, 80 दिन का हो गया, तो आप उस पे NPK 19 19 19 या अन्य किसी ग्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके गन्ने की जो नीड है वो सारी पूरी हो जाएगी। अब मैं एक और चीज़ उसमें ऐड कर देता हूँ, अगर आपको ऊपर से भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूर देने चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, किसान भाइयों आप सागरिका का इस्तेमाल करिए। सागरिका मैं इसलिए बताता हूँ, एक तो ये इंडियन मेड है किसान भाइयों, इफ्को कंपनी का है, ट्रस्टेड चीज़ है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा नकली चीज़ें भी आती है, और दूसरा ये महंगा नहीं पड़ता। 10 बीघे का अगर आप लेके आते हैं, बहुत सस्ता आपको लिक्विड सागरिका पड़ेगा, आप उसको 10 बीघे में करिए, 2 एकड़ में करिए, और किसान भाइयों आपको जितने भी तत्व हैं, आपको मैं बताऊँ उसके अंदर सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, फेरस, साइटोकैनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, और यहाँ तक कि ह्यूमिक एसिड भी आ रहा है अब तो किसान भाइयों जितने 15 16 तत्व हैं, आप उनको NPK की एक किलो की थैली आती है उसके साथ मिलाइए, और अपने गन्ने पे स्प्रे कर दीजिए, आपके सारे तत्व पूरे हो गए। और दूसरे पानी पे अगर आप चाहें तो
सागरिका को 10 किलो सागरिका लीजिए, आप एक एकड़ खेत में उसको बिखराव कर दीजिए, आपके सारे 16 के 16 तत्व पूरे हो गए। ये वीडियो मैं इसलिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसान भाइयों अपना दिमाग ये चलाने की आवश्यकता है कि जब मैंने पहले पानी बुआई में DAP डाल दी, पहले पानी पे मैंने NPK डाल दिया, तो उसके सारे तत्व पूरे हो चुके हैं, आपको सिर्फ एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना है और सागरिका से अच्छा कुछ नहीं है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। दूसरा एक अल्टरनेट और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 10 से 15 किलो सरसों की खली दरदरी करके डाल देते हैं, उसके अंदर 10-12 तत्व जो ये हैं सारे के सारे हैं और बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। 10 किलो 12 किलो 15 किलो सरसों की खली आप दरदरी कर लो, इससे अच्छा जैविक खाद कोई भी नहीं है, आप अपने गन्ने में डालिए, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाइयों NPK भी हो गया आपका, DAP भी हो गया आपका, सल्फर कैल्शियम मैग्नीज बोरोन अगर आप ऊपर से देंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप स्प्रे में यूज करिए माइक्रोन्यूट्रिएंट NPK के साथ, और नीचे भी आप जो है तीसरे पानी पे दूसरे पानी पे सागरिका का इस्तेमाल करिए। किसान भाइयों अब आपका कंप्लीट पैकेज हो चुका है, आपको हर बार फोन करने की किसी को आवश्यकता नहीं है कि अब मैं क्या डालूं, अब मैं, हाँ अगर आपका गन्ना फिर भी थोड़ा सा डाउन जा रहा है या कुछ, तो आपको सोचने की आवश्यकता है कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, आपको जिंक की कमी लग रही है तो उसके अलग 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 लक्षण मिलेंगे, अगर आपको फेरस की कमी लग रही है आयरन की तो अलग लक्षण मिलेंगे। हालांकि अगर आप जमीन में भी सागरिका दे देंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट दे देंगे, कुछ भी सरसों की खली भी दे देंगे और आप ऊपर से भी उसको स्प्रे में भी इस्तेमाल कर लेंगे तीसरे पानी पे दूसरे पानी पे, जब आपका गन्ना स्प्रे के लायक हो जाएगा किसान भाइयों, तो आपको फिर बार बार स्प्रे की बार बार खाद देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसान भाई परेशान रहते हैं कि मनोज भाई पहले पानी की डोज बताइए, दूसरे पानी की डोज बताइए, तीसरे। किसान भाइयों प्राइमरी तत्व हमारे NPK हैं, आपने NPK, कोई भी किसान हो, कोई भी गन्ना किसान हो, वो बिना DAP के गन्ना नहीं बोता, या तो DAP डाल लेंगे या NPK डाल लेंगे, फिर उसके बाद पहला पानी आता है। कोई भी किसान हो, मैंने आज तक कोई किसान नहीं देखा, 90-95% किसान पहले पानी पे भी खाद डाल लेंगे, दूसरे पे भी डाल लेंगे और फिर भी पूछेंगे कि क्या उसमें डालना चाहिए। किसान भाइयों 15-16 तत्व हैं, सबसे खास है NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, और आप इनको स्प्रे में भी दीजिए और आप इसको धरती में भी दीजिए, उसके बाद एक माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट का घर का ऑप्शन मैंने बता दिया, बहुत अच्छी जैविक खाद है, 15 किलो सरसों की खली कूट के डाल दीजिए या सागरिका ले आइए, बहुत सस्ता ऑप्शन है, और आप एक आध उस पर स्प्रे लगा दीजिए NPK के साथ, सागरिका की स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग से और नहीं डालना, बहुत अच्छा आपका गन्ना इसी में चल जाएगा, बहुत सुंदर ब्यात होगा और बार बार आपको खाद डालने की देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किसान भाइयों धन्यवाद।